तो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन में है ना मतलब बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि अगर जो भी इस्तेमाल करता है एनी बड़ी फ़ोन जो स्मार्टफोन है चाहे वो शामी का हो चाहे वो वीवो का हो चाहे वो ओप्पो का हो चाहे वो कोई किसी भी कंपनी का फ़ोन हो हालांकि मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है आपने इंटरफेस बहुत बार देखा होगा मेरा ओप्पो जैसा है तो एक खतरा है ओप्पो वीवो चाहे जिस जिस भी स्मार्टफोन मतलब जो भी छोटे मोटे अभी है ना जो कम कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट दे रहा है ना दोस्तों उस उन फोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा खतरा मंडा मंडरा रहा है बताए दोस्तों मतलब इतना ज़्यादा खतरा है वो उस उन फोन में कि आपको मतलब आपकी जो भी डिटेल आप क्या कर रहे हो इस टाइम क्या करने वाले हो आगे जा कर क्या करोगे अभी क्या फ्यूचर आपने सोचा हुआ वो सब उन कंपनी के पास आपकी डिटेल जा रही है आपको याद तक कि इतनी सी भनक नहीं होगी कि मतलब इतनी सारी डिटेल उनके पास आखिर जा कैसे रही है ना दोस्तों वो आपके एक ऐप के जरिए जा रही है उस ऐप का नाम आपने आपके मोबाइल में भी होगी अगर हम बात करें शामी और पोको की तो उन उसके अंदर सिक्योरिटी नाम की एक ऐप है तो दोस्तों सिक्योरिटी ऐप की अगर आप जैसे ही इसको ओपन करोगे और वहाँ पर एक कुछ पूछेगा तो और आपको एग्री करना है उसको ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आप उसको एग्री करते हो तो आप जाके देखना अपने फ़ोन के स्टोरेज में कि आप है ना मतलब ना, मतलब पर फोन मैनेज सॉरी दोस्तों ऐप मैनेजर के अंदर जाके देखना कि वहाँ पर मतलब कैसा वहाँ पर है ना वो परमिशन किस किस चीज़ों की मांग रहा है सिर्फ़ एक ही क्लिक में मतलब एक ही क्लिक आपने किया ना एग्री पे और पूरी डिटेल आपकी चली गई उसके पास मतलब आपके मान के चलो आपने एक क्लिक किया एक ऐप की मतलब कोई भी एक ऐप ले लो चाहे हम यूट्यूब ले चाहे हम चाहे हम किसी भी ऐसा प्लेटफॉर्म ले लें इंस्टाग्राम ले लें ले, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें तो वो कभी भी देखना है ना मतलब वो ऐसी चीजें कभी नहीं करता कि है ना मतलब डायरेक्टली एक ही क्लिक में आपकी पूरी पूरी डिटेल ले लें बट जो एक ऐप है सिक्योरिटी नाम की मैं शाउमी की बात करूँ ऐसे बहुत सारे सभी मोबाइल के अंदर मैं एक एक करके बताऊँगा तो उसके अंदर एक क्लिक करूंगे आपकी क्या क्या डिटेल देता है चाहे आप आ, 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 आपके फिजिकल की चाहे आप कैमरा की ऐसे लगा के जितनी भी आपके मोबाइल की जो भी परमिशन मांगता है ना मोबाइल वो सब की सब है ना मतलब एक एक क्लिक में उस ऐप ऐप के द्वारा ली जाती है अभी मेरे को समझ में नहीं आता चलो मान के चलो क्या है ना मतलब ढूंढने के लिए सब स्टोरेज और चाहिए होता है पर स्टोरेज और कुछ कुछ है ना मतलब कुछ कुछ ही चाहिए होते हैं पर मेरे को समझ में नहीं आया फिजिकल और कैमरा और ये किस काम के आएगी मतलब एक सिक्योरिटी चलो सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में कर रहे हैं बट मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में ये पूरी पूरी अपनी डिटेल क्यों ले रहा है अपना मतलब अपना बायोग्राफी क्यों ले रहा है मतलब कुछ शादी करवानी है क्या इनको इन कंपनियों को अरे कोई फिक्स करो इस मतलब जितने भी यूट्यूबर अभी बना रहे हैं इस पर वीडियो उन सबकी फीडबैक ही मानो आप प्लीज़ इसको पूरी तरह से ऑफ़ करो शामी में बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की है क्यों शामी और पोको फोन में चलो पोको ने तो है ना मतलब एक एक है ना फरमान भी निकाल दिया था कि है ना मतलब यहाँ पर एक बग है सॉरी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है तो उसको हम आगे जाकर सॉल्व कर देंगे एक अपडेट के द्वारा बट Xiaomi में अभी तक अभी तक ये प्रॉब्लम बताई भी नहीं है बहुत से लोगों को पता भी नहीं है ये मतलब एक सिक्योरिटी नाम की ऐप आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है वो मतलब आप उसको ऑन भी मत करो मतलब आप जैसे इसको ऑन करते हो आप सोचते हो कि बहुत सारा हैंग हो रहा है मोबाइल अब मैं इसको ऑन करके थोड़ा सा क्लिन कर दे रहा हूँ वहाँ पर एग्री का ऑप्शन मांगता है आप जैसे ही एग्री करोगे तो आपकी पूरी पूरी डिटेल उस मतलब जो भी उस कंपनी का मालिक है उसके पास चली जाएगी तो क्या आपकी पूरी डिटेल उसको देना चाहते हो चाहे आप क्रोम पे कुछ लिखते हो चाहे आप यूट्यूब पे कुछ लिखते हो या फिर कुछ देखते हो या फिर कुछ बोल रहे हो कोई भी आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो उस सब चीज़ों का आप उसके पास डिटेल चली जाएगी और वही आपको मतलब वो फिर ना आपको ऐसे ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी जो आपके बहुत काम आएगी वैसे पर एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और ये अगर बाय चांस लीक हो गई किसी से मतलब इसकी कोई डिटेल लीक हो गई मतलब आपकी बायो कोई है ना मतलब पूरे की पूरी डेटा लीक हो गया तो आप खतरे में पड़ सकते हो दोस्तों मतलब इनको है ना एक काम करना चाहिए कि अपडेट निकाल कर इनको पूरी तरह से ऐसी प्रॉब्लम को ऑफ करना चाहिए उस याद से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए इस मोबाइल में मोबाइल में से मेरे को समझ में नहीं आता कि आजकल के मोबाइल में सेवन टेन जैसे प्रोसेसर सेवन टेन तो नहीं बट सेवन टेन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है सेवन टेन तो जाने दो एट सिक्सटी फाइव जैसे प्रोसेसर के अंदर भी ऐसे ऐसे मतलब आ, ऐसे ऐसे मतलब सिक्योरिटी डाल रहे हैं इनमें कुछ मतलब कुछ भी है ना मतलब डाल दिए ऐप के अंदर अगर मान के चलो कि अगर है ना मतलब एट सिक्सटी फाइव जी इतना पावरफुल प्रोसेसर है यहाँ तक कि चलो एट सिक्सटी फाइव जी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है आ, मान के चलो सेवन सेवन की सीरीज़ के सब सब स्मार्टफोन सब सब प्रोसेसर के स्मार्टफोन वो कितने ज़्यादा ताकतवर है कितने ज़्यादा पावरफुल है पावरफुल प्रोसेसर है तो उनकी उनको क्या जरूरत किसी मतलब किसी क्लीनर की और क्लीनर भी शाओमी और पोको कैसा इस्तेमाल करें क्लीन मास्टर जो प्ले स्टोर के द्वारा ऑफिशियली बैन है आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे ऑफिशियली बैन करके रखा है जितने भी चीता चीता मास्ट, चीता के जो भी है ना वो चीता के जो भी ब्राउजर या फिर कुछ भी है ना मतलब क्लीन है ना क्लीन मास्टर क्लीनिंग के लिए ऐप है उन उन सबको बैन कर दिया है खुद ऑफिशियली प्ले स्टोर से सरकार दिया गया है गूगल ने गूगल ने पूरी तरह से बैन कर दिया है इसको बट मतलब ये बैन क्यों किया क्योंकि ये मतलब अपना डाटा लेकर चाइना को बेच रही थी दोस्तों चाइना को तो मतलब ऑफिशियल ऑब्वियसली फिर तो है ना बंद होना ही था तो बट है ना वो वैसी वैसी ऐप ये चाउमी और पोको जैसी आ, पोको जैसे स्मार्टफोन में ये इनको इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी ऐप के अंदर अब हम बात करते हैं अगर वीवो की बात करें तो वीवो के अंदर आई मैनेजर सबसे ज़्यादा घटिया ऐप है मतलब बाक़ी तो वीवो का फ़ोन तो बहुत अच्छा आता है कैमरा भी बहुत अच्छा होता है सब चीज अच्छी होती है बट वो आई मैनेजर मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है क्यों होता है क्योंकि मतलब अपनी डिटेल ले रहा वो सब कुछ इनको क्या जरूरत है वीवो जैसे फ़ोन के अभी बड़े बड़े जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर सब पावरफुल प्रोसेसर आ रहे हैं तो अभी मेरे को समझ में नहीं आता क्या क्या ज़रूरत है ऐसे मोबाइल की मतलब मोबाइल फ़ोन की उनको मेरे को ये बात समझ में नहीं आती अभी तो कोई काम नहीं है ऐसे ऐसे क्लीन मास्टर का अभी तो आपका मोबाइल खुद ब खुद इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि अभी जो तो है ना मतलब चाहे कोई भी वायरस आ जाए वायरस तो आएगा नहीं क्योंकि बना नहीं है मोबाइल के लिए बट कुछ भी आ जाए बट आपका मोबाइल जेल देगा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को जेल देगा मतलब गर्म हीटिंग सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है थोड़ी देर में बट मतलब मतलब क्लीन मास्टर ऐसा क्या काम कर देगा उल्टा मोबाइल स्लो करेगा आई मैनेज आई मा आई मैनेजर फिर अगर हम बात करें अगर ओप्पो की तो ओप्पो के अंदर आपको मैं बता दूँ देख लो ये रहा फोन मैनेजर मैंने हालांकि अभी तक इसको इस्तेमाल भी नहीं किया मतलब ये देखो ये आ गया सब कुछ अब अलाउ करते ही पूरी पूरी डिटेल मेरे पास से ले ली गई है अभी इसके अंदर मेरे शो नहीं होता इसलिए मैं बता नहीं सकता बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ इस स्पेशल चीज़ों के लिए पूरी पूरी आपकी डिटेल ली जा रही है थी गलत चीज़ है दोस्तों आप प्लीज़ उन ऐप का इस्तेमाल मत करो और अगर आप कर सकते हो तो ट्वीट करो ट्विटर पे कि मतलब शामी जैसी कंपनी को टारगेट करो या फिर पोको या फिर वीवो या फिर कोई भी अदर स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो भी ले सकते हो किसी भी स्मार्टफोन कंपनी को आप टारगेट करो और वहाँ पर जाके मतलब उसको मतलब वहाँ पर ट्वीट करो कि इस इसके अंदर ये प्रॉब्लम है प्लीज़ इसको सॉल्व करो अगले अपडेट में सिक्योरिटी पैच और ज़्यादा हाई करो और मतलब म, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावरफुल करो अपने मोबाइल मोबाइल को अगला अपडेट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली दो जिसके कारण ये ऐप पूरी तरह से मतलब मतलब एक काम कर सकते हो या तो फिर इसको डिजेबल करने का ऑप्शन रखो या फिर अनइस्टॉल का करने का ऑप्शन रखो अनइंस्टॉल करने का रखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बकवास तो ऐप है ही है साथ ही अपने मोबाइल को मतलब पूरी तरह से ख़राब भी कर सकती है अगर वो चाइना चाइना को बेच भी सकती है दोस्तों तो अगर मान के चलो कोई दूसरा भी क्लीन मास्टर हो क्लीन क्लीन ऐप करने का होता तो मान लेते बट ऐसा 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 मतलब क्लीनर है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्लीन मास्टर क्लीन मास्टर को तो तक की प्ले स्टोर से बैन भी कर दिया और वो आज इस्तेमाल हो रहा है शाओमी जैसे बड़े बड़े कंपनियों में तो प्लीज़ दोस्तों इसको इस्तेमाल करना बंद करो और मतलब स्मार्टफोन तो इस्तेमाल करो बड़े बट उस चीज़ को इस्तेमाल मत करो जो आपकी डिटेल को चाइना तक पहुंचा सके तो दोस्तों तो आज की वीडियो में बस आपको अलर्ट करना ही था तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों